हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या क्या होती हैं, उसके अंदर हमने सारे प्रोसेस पढ़नी है, ठीक है। तो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पूरा आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल ईजी वे में समझाऊँ। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसके अंदर क्या होता है। अभी मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगी। हमने बोला अभिकारक होते हैं, उत्पाद बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल चेंजेस होते हैं, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया है एग्जाम्पल के थ्रू किसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। देखिए हमने बोला कि इसके अंदर क्या अभिकारक भाग लेते हैं, उत्पाद बनते हैं। जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक तरीके से देखें तो जो अभिकारक होते हैं ना उसका उत्पादों के अंदर रूपांतरण होता है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हम दे रहे हैं कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो किसके अंदर चेंज होते हैं, उनका रूपांतरण किसके अंदर होता है, प्रोडक्ट्स में। उसका रूपांतरण उत्पादों के अंदर होता है, ठीक है। अभिकारकों का उत्पादों में रूपांतरण होता है। अब क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। उत्पाद के जो गुण होते हैं और एक अभिकारक के जो गुण होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपसे। ये चीज़ बार बार चेंजेस बोल रहे केमिकल चेंजेस, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो अभिकारकों के गुण होते हैं और जो उत्पादों के गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभिकारक या रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट उत्पाद जो होंगे उनके गुण अलग अलग होते हैं, उनके गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमने बोला कि गुण अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको भी एग्जांपल बताऊंगी क्या कि रासायनिक अभिक्रिया जो है ना वो क्या होती है, चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ठीक है। किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, मैग्नीशियम का। किसका, मैग्नीशियम का। ये इसका प्रतीक है Mg, शॉर्ट में लिख रखा है मैग्नीशियम का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम की केस मतलब किस टाइप से हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होगी क्या, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या प्रोसेस होगी। देखिए अब यहाँ पे मैग्नीशियम के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो यहाँ पे ना मैं पहले एक रिएक्शन लिख रही हूँ पूरी, फिर उसके बारे में मैं आपको बारी बारी से एक्सप्लेन करते चलूंगी कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है। अभी चाहे आपको समझ में नहीं आया कि इसके अंदर हुआ क्या है, लेकिन बाद में आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम है, ये ऊष्मा है, ये बना है MgO। ये आप मतलब जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन बताती हूँ मैं, आप बाद में कि ये इतना होना चाहिए तो वो बैलेंस आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसके अंदर ये प्रोसेस हो गई, ठीक है। ये जो क्रिया है ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बताया है मैंने, ये देखिए ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगी, बट पहले हमें मैग्नीशियम जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में देखना चाहिए कि जो मैग्नीशियम होती है ये क्या है, ये एक मेटल है। कैसा, सिल्वर वाइट,
सिल्वर व्हाइट मेटल है, मेटल है, समझते हैं ना आप, धातु। ये क्या है, एक सिल्वर व्हाइट मेटल है या सिल्वर व्हाइट धातु है। अभी हमने यहाँ पे क्या प्रोसेस बताई, देखिए कोई भी चीज का जनरली हम देखें तो वो किसकी प्रेजेंस में जलती है, बाहर एनवायरनमेंट में, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला देखिए हम यहाँ पे कॉमन चीज लेते हैं जो मैग्नीशियम का फीता है ना, उसको गर्म किया जाता है। तो ये चीज मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, जब हम उसको गर्म करते हैं तो उससे क्या, आप कोई भी चीज लगा जाए उसको गर्म कर रहे हो, चीज जल रही है तो वो जलता है, कैसे ना कैसे तो ज्वाला उससे उत्पन्न होगी। प्रेजेंस में किसके में जलेगा, वायु के में जलेगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि मैग्नीशियम का कोई फीता लो, उस फीते को गर्म करके, तभी तो जल रहा है, उसको गर्म करने पर क्या करता है भाई, लगातार जब गर्म कर रहे हैं तो जलता है। किसके साथ जलेगा, मतलब ये किस में जलेगा, वायु में जलेगा। ठीक है, पहली बात तो अब जल रहा था, आप कुछ कोई ना कुछ जलती है तो उसके बहुत तगड़े फ्लेम निकलते हैं, किसी से किसी रंग की, यहाँ पे किसी से किसी रंग की, तो इससे निकलती है चमकीली सफेद ज्वाला, एकदम ब्राइट और कैसी, एक चमकने वाले और वाइट फ्लेम निकलती है, यह वाइट फ्लेम निकलती है इससे, यह आग। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि वो किसके साथ जलते है, चमकीली सफेद ज्वाला के साथ जलती है, यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। देखिए हमने बोला मैग्नीशियम के फीते को गर्म करने पर जलता है वायु में और ऐसे ज्वाला निकलती है। देखिए मैग्नीशियम का फीता जो है, हमने क्या किया, इसको गर्म किया, जल गया, प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम का फीता है, गर्म किया, मतलब ऊष्मा का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्म किया है, ऊष्मा दी है। ठीक है, गर्म किया है, बोला वायु के प्रेजेंस में जलेगा, वायु की प्रेजेंस हो गई, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवाती हूँ, देखिए ये तो है मैग्नीशियम, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, और ये है वायु, और ये हमने क्या किया, इसको गर्म किया, इससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक जनरल अगर चीज की मैं बात करूं तो वो ये है, इसके अंदर की आपका जो मैंने बोला ना प्रैक्टिकल कि मैग्नीशियम है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यही क्या है, रिएक्शन है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो पदार्थ बना है ना, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक जो पदार्थ है, प्रोडक्ट जो है वो बनता है यहाँ पे, कैसा, पाउडर। जब जल रहा है तो क्या बना रहा है, पाउडर। तो ये चीज आप देखिए यहीं पे, ये जो चीज है वो पूरी यही है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम में, वायु के प्रति गर्म करने मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, ये क्रिया होती है मेनली जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ। और अगर हम यहाँ पे देखें कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, गर्म करने पर जो मैग्नीशियम है, मतलब आप ऐसे लगा लीजिए, जनरली अगर आप मैग्नीशियम का फीता ले रहे हो, आप उसको गर्म करो, तो गर्म करने पर क्या होता है, एनवायरमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, और वो जला रही है यहाँ पे, तो वो क्या करता है, उस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, वही तो कर रहा है, उसको जलाया हमने, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया, तो क्या बन गया, उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, यही जो प्रोसेस है, आप ये थ्योरी में लिख सकते हो, यही प्रोसेस आप इस तरीके से लिख सकते हो, यही प्रोसेस आप इस तरीके से लिखते हो। अगर आप ऐसा लिखना चाहो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो भी एक ही बात है। ठीक है, तो आ रहा है आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। और ओवरऑल आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस क्वालिटी एजुकेशन की इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए हो गया बायस समझ में कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, एक्चुअल में हमने बोला है केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, अब देखिए हमने बोला अभिकारक जुड़ते हैं, क्या बोला,
अभिकारक जुड़ते हैं। तो यहाँ पे अभिकारकों ने भाग लिया, कौन कौन से, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। उत्पाद बना, क्या बना, MgO। कोई कन्फ्यूजन आ रहा है ना समझ में, क्या बना, MgO बना। ये जो सारी प्रोसेस है किसकी है, ये क्या हो रहा है, ये सब ये केमिकल रिएक्शन। अब इसके जो गुण हैं, हमने बोला इसके बारे में किसके करेक्टर्स जो हैं वो किस टाइप के होते हैं, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसके जो गुण है ना, किसके गुण, मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण किससे अलग होंगे, क्या बताया था, ये जो अभिकारक है इनसे अलग होंगे, इनके गुण अभिकारकों से अलग होंगे, ठीक है। वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने बोला था कि केमिकल चेंजेस होंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके अंदर जो रिएक्टेंट है उनसे अलग गुण होंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड ने क्रिया करी है, फॉर्मेशन किसका किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का किया है, इसके गुण क्या है, पूरी तरह से अलग होते। देखिए मैग्नीशियम का क्या लिया हमने, फीता लिया, इसको जलाया। मैग्नीशियम का जो फीता होता है ना, इस पे क्या होता है कि इसकी जो सतह होती है उस पर बेसिक जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है ना, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसकी क्या परत होती है, ठीक है। और उस पर क्या, एक तरीके से हम देखें तो उस परत के ऊपर जैसे जो नम वायु होती है, नम वायु की मंद क्रिया के जब ये प्रोसेस बन रही है, इसके अंदर हमने बोला ये सब होता है, ये सब होता है, तो ये सारी क्रियाएं होती है इसके द्वारा बनता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक तरीके से हम देखें, हमने क्या बोला, देखिए ये चीज सबसे पहले आप समझिए कि मैग्नीशियम का जो फीता होता है इसकी सतह पर, इसके कहाँ पर, सतह पर क्या होता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसकी मतलब एक तरीके से देखें ना तो इसकी लेयर चढ़ी होती है, इसकी परत जो है ना वो प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, ठीक है। अभी क्या क्या जाता है, जैसे हम बोल रहे हैं इसके अंदर ये होता है, होता है, इस मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो है ना परत चढ़ी होती है, और उस पर क्या, नम वायु की मंद क्रिया के द्वारा जब ये क्या बन रहा है, जब ये बोल रहे हैं पूरा, इसके अंदर ये प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन तो होगा। और हमने बोला बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें कि जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ये मतलब जैसे हमने बोल रहा कि इसके अंदर क्रिया हो गई, तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे प्लस में मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसकी बात करें कि इसके अंदर किसका मिश्रण होता है, तो किस किस का मिश्रण होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है। और साथ में एक चीज और होती है इसके अंदर, वो क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH किसके अंदर होता है, ये जो हमने बोला ना बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसके अंदर इस तरीके से देखे तो ये जो कुछ चीजें होती है इसका क्या होता है, मिश्रण होता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जब हमने बोला कि इसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो उस स्थिति में जलाने से पहले क्या किया जाता है कि जो रेगमाल का फीता होता है, सॉरी जो फीता होता है ना मैग्नीशियम का, उसको रेगमाल से रगड़ करके साफ किया जाता है, रेगमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है। किसको करेंगे, जो मैग्नीशियम का फीता होता है ना उसको करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कैसी परत है, मैग्नीशियम, जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसके ऊपर चुड़ी तो रिएक्शन कर सकता है, इस कारण से क्या किया जाता है, इसको साफ किया जाता है। ये जो मैग्नीशियम का फीता होता है इसकी सतह से, जो बेसिक मैग्नीशियम, मतलब हमने ऐसे बोला कि हमने रेगमाल से रगड़ के साफ किया, क्वेश्चन है आपके थ्योरी में क्यों नहीं पूछ सकता, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या है, रेगमाल से रगड़ के इसका फीता जो है वो साफ किया जाता है, क्यों, क्यों किया जाता है, क्योंकि फीते की सतह से जो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसकी परत हटाने के लिए, किसके ऊपर से, मैग्नीशियम के फीते की सतह से, उसकी सतह से बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट हटाने के लिए,
किसका यूज किया गया, रेगमाल का यूज किया गया। आया समझ में? ये चीज में आपको बताना चाहती हूँ, केमिकल रिएक्शंस जो है उसके अंदर मेन प्रोसेस जो है वो क्या होती है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, उसी का जवाब हो गया आपको यहाँ पे ध्यान रखने सारी चीजें, ठीक है। अब हमने बोला इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, इस तरीके से होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे हम, बट वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको देखिए मैं एक इजी सा क्वेश्चन देती हूँ आज। देखिए केमिकल रिएक्शन होते हैं वो नॉर्मली बहुत सारी जो है वो देखने को मिलती है, मतलब एक चीज़ का किसके अंदर चेंज हो जाता है दूसरी चीज़ में चेंज। तो आपको एक ऐसे अपने घर का कुछ घरेलू ऐसा छोटा सा जैसे जो एग्जाम्पल है वो आपको देना है इजी सा, जो आप खुद भी यूज लेते हो, जो आप शायद सभी घरों में बनता है उसका बताना है, जिससे केमिकल चेंजेस होते हैं क्या जो घरों के अंदर भी बनता है, इनकी एक चीज़ होगी उसकी दूसरी चीज़ रिएक्शन करके तीसरी चीज़ बताएगी बनाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।